back was it tighter, but somehow I was able to open it. Let's see. Let's see here. Tightness ki reason kya? लेकिन ठीक नहीं हुआ. मुझे सोने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे ज़्यादा देर बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी. बट फिर मैं आया, एक्सरसाइज मुझे बताया आपने. तो एक्सरसाइज आई थिंक बहुत मेन है, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड ट्रीटमेंट. आ रहा था रोहित से ही, सुनते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. रोहित किस दिक्कत से आए थे, क्या ठीक हुआ? ये मत बोलना कि ठीक हो गया हो, ठीक है? ये सारे लोग बोलते हैं, तो तुम जेन्युइनली बताओ कि कितना ठीक नहीं हुए हो, किस दिक्कत के साथ आए थे? सर मेरे लोअर बैक पेन था, सियाटिका पेन, एंड वो जिम से हुआ था, जिम इंजरी थी मेरी. तो मेरे 9 सेशन पूरे हो गए और 80% ऑलमोस्ट ठीक हो गए. मेरे जो बर्निंग सेंसेशन होती थी, जो पेन होता था, वो ऑलमोस्ट चला गया. बट थोड़ा बहुत पेन है अभी भी, स्टिफनेस थोड़ी बहुत अभी भी है. तो हम इस वीडियो में दिखाने ये चाहते हैं कि हम क्या ठीक नहीं करते, क्योंकि जो भी कैमरा पे आता है वो ठीक हो जाता है ना. चाहे वो ठीक हुआ हो या नहीं हुआ, हमें ऐसा लगता है, सब लोग यही बोलते हैं. तो जैसा कि इसने बताया कि 80% ठीक नहीं हुआ, तो हम 80% 20% ठीक नहीं हुआ, हम 20% पे डिस्कस करेंगे, 80% पे डिस्कस नहीं करेंगे. तो आपने जब डेडलिफ्ट की, उसके बाद कितने टाइम तक आप परेशान रहे, क्या क्या आपने किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग जानना चाहेंगे. सर ऑलमोस्ट 3 महीने मुझे प्रॉब्लम नहीं, 2 महीने मैंने सोचा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. देन ठीक नहीं हुआ, मुझे सोने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे ज्यादा देर बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी. बट फिर मैं आया, एक्सरसाइज मुझे बताया आपने. तो एक्सरसाइज आई थिंक बहुत मेन है, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड ट्रीटमेंट, तीनों बहुत जरूरी है. तो आपने इस 3 महीने में क्या क्या गलतियां की जो आप बाकी लोगों को बताओगे कि जो नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो डॉक्टर को जाके दिखा दो, जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप जाके दिखा दो, क्योंकि अगर नहीं दिखाओगे तो फिर वो पेन धीरे धीरे बढ़ते रहेगा. पहले थोड़ा था, देन वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा होते रहा, वीक बाय वीक. तो आप यहाँ पे 3 महीने बाद कैसे इंटरनेट से ढूंढ के आए थे? यस सर, मैंने गूगल किया था, तो मुझे सबसे नियरेस्ट ये दिखा था, मैंने फिर अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी. बट आपको गूगल पे और भी कायरोप्रैक्टर्स देखते होंगे, आपने वहाँ क्यों नहीं गए? तो यार रिव्यू थोड़े अच्छे थे, मैंने रिव्यू पढ़े थे. देन मेरा एक फ्रेंड भी यहाँ पे रहता है डिफेंस कॉलोनी में, तो उसने बताया मुझे कि यहाँ पे जाके दिखा दे, तो वो ठीक है सर. ये तो हमें पता है कि जब भी कोई कायरोप्रैक्टर ढूंढता है वो एक्टिव प्लस जरूर देखता है, चाहे वो आता है या नहीं आता है, बट एक्टिव प्लस सब लोग जानते हैं. एक्टिव प्लस इसलिए भी लोगों के दिमाग में कि काफी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और हमारी जो कोशिश रहती है वो कोई भी कोशिश नहीं, हम कोई कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ कोशिश करते हैं आपको हील करने की. हम कोशिश, आपको लगता है हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं ट्रीटमेंट पे, है ना? हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को समझाने पे स्ट्रेस देते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं पेशेंट हमारी बताई हुई बातों को फॉलो करे, और हमें पता है कि उतने टाइम में वो हील हो जाएगा. और जो पेशेंट हील नहीं होता वो कुछ ना कुछ अपनी गलतियां कर रहा होता है. और चाहे हम कपिंग करते हैं, नीडलिंग करते हैं, या एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारे नेचुरल हीलिंग के प्रोसेस हैं. अगर आप भी इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तभी हमारे पास आए. अगर आप ये सोच के आते हैं कि आप एक दिन में हमारे पास ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो आपके लिए ये जगह सही नहीं है. और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको ये प्रॉमिसेस कर सकते हैं ना, हम तो ठीक नहीं कर सकते एक दिन में, राइट? अब मैं व्यूअर्स को इसका एडजस्टमेंट दिखाता हूँ. इसका 20% लेग में पेन रह गया है. लेग का जो पेन होता है वो नर्व का पेन होता है, उसी को अब हमें ठीक करना है, सारा स्ट्रेस देना है. और रोहित काफी कुछ समझ गया है, तो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा, और फिर देखते हैं जो भी ये इसको जितना भी फायदा होता है, ये गूगल पे हमें रिव्यू देके बता सकता है, ताकि बाकी लोग भी पढ़े. जैसे और यूट्यूब में कमेंट देके भी लोग बताते हैं कि अब मैं इतना बेटर हूँ या इतना बेटर नहीं. अच्छा tighter, but somehow I was able to open it. Let's see. Let's see here. Tightness ki reason kya? Thoda sa centralized hai, isliye main zyada move nahi kar pa raha. Kuch karte kya ho? Sir, normally abhi to nahi padhai chal rahi hai, MA chal raha hai.
इकोनॉमिक्स एंड एग्जाम की तैयारी चल रही है. बैंक एग्जाम. अच्छा बैंक एग्जाम. ओह ये है हमारी सारी प्रॉब्लम की चाय सीधा हो जाएंगे. व्यूअर्स आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज बेल आइकन को हिट करें, कुछ ना कुछ कमेंट करें, लाइक करें. अगर आपको वीडियो ठीक लगती है, ठीक नहीं लगती है तो भी आप लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे जो एफर्ट है वीडियो बनाने का, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, ये कंटिन्यूसली चलता रहे, इसमें कोई इंटरप्शन ना हो. और आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है. मैं कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाने की पूरी कोशिश में रहता हूँ और आप देखेंगे शायद मैं नया कंटेंट आप तक अगले कुछ वीक्स में जरूर लेके आऊंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको कोई भी सवाल हो आप हम सबसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.